जी जनाब, शादी किस उम्र से हो जानी चाहिए? किस उम्र के हो जानी चाहिए भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, शादी किस उम्र से हो जानी चाहिए? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਤੜਪ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਸ਼ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੜੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਬਸ ਪਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵੇ ਬਸ। ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ, 2-4 ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਬਾਜਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਬੋਲਾ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਾ ਵੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ? ਕਮੋ ਬੇਸ਼ੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਾ? 16 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਉਮਰ ਮੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ? 21-22 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਲੇਟ? ਬਸ ਕੁਛ ਭਾਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 18 ਸਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ 14 ਸਾਲ ਕੀ ਏਜ ਮੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਸਕੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਨਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਚੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਤੜਪ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ। तो आप 22 साल में करवाना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज पैकेज नहीं है फिलहाल। आप करते क्या हैं? बस जॉब करता हूँ फैक्ट्री में। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। यार शादी किस एज में होनी चाहिए? यार मेरा ये मानना है कि इंसान का जो है वो कोई ना कोई गोल होता है। गोल मीन्स ये है कि मतलब उसने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना होता है। तो बेसिकली मेरा ये माइंड है कि यार जब बंदा अपनी मतलब सारी अचीवमेंट्स जो है वो पूरी कर ले तो उसके बाद जाके जो है वो शादी के बारे में सोचे। अदरवाइज़ तो जिस तरह का टाइम चल रहा है बहुत मुश्किल है इस टाइम पे अफोर्ड करना, मैनेज करना। तो बंदा वेल सेटल हो जाए उसके बाद ही जो है वो प्रिपेयर करे अपने आप को शादी के लिए। दैट्स माई ओपिनियन। आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई फ़िलहाल। आप कितनी एज में करवाना चाह रहे हैं? यार देखिए, एज मैटर नहीं करती है शादी। आप जो है वो बालिग होना चाहिए बंदा शादी, उसके बाद आप कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बंदा वेल सेटल हो उसके बाद करे ताकि आने वाली भी सुकून में रहे और आगे आपके जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी आपकी मतलब सिक्योर चले। सो इस वजह से जो है वो बंदा जैसे सेटल हो जाए, उसकी कोई एज नहीं। अगर 18 ईयर्स में सेटल हो जाता है तो 18 ईयर्स में कर ले। अगर 30 साल तक सेटल नहीं होता तो मेरी ओपिनियन है कि 30 साल तक नहीं करे, क्योंकि आने वाला हालात किस तरह के वो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जिन लोगों की शादी नहीं हुई या जिन लोगों की हो गया, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जिनकी नहीं हुई उनके लिए मैसेज है कि उनको जो है वो मतलब अगर वो सेटल हो जाए मतलब वो मैनेज कर सके अपनी शादी को तो वेल एंड गुड है। वो शादी जल्दी करें, निकाह को आम करें, तो ये बेसिकली जो है बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए। और देन सेकंड ये कि जिनकी शादी जो है वो हो गई है उनके लिए यही है कि यार वो अपनी लाइफ में खुश रहें, अपनी बीवी को जो भी घर वाले हैं बच्चे हैं सबको उनको खुश रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। और बस इन दी एंड यही है कि यार खुशियाँ बांटते रहो, ज़िंदगी बहुत मुख्तर सी है। तो ये है कि बस यही मेरे। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। यार भाई कैसे हैं? दुआएं आपकी। यार ये शादी किस एज में होनी चाहिए? शादी मेरे ख्याल से 24 या 25 में। इतनी लेट क्यों? नहीं, 24-25 एज सही होती है यार, क्योंकि बंदा आगे अपना फ्यूचर के बारे में भी सोच सकता है इतनी एज में। तो जिनकी शादी हुई है या नहीं हुई उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा, पहले खुद सेटल हो जाए फिर आराम से शादी कर लें, ताकि बच्चों का भी ज़रा ध्यान रख सकें। वैसे शादी जितनी जल्दी हो जाए वैसे इतना अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तब बाप की उम्र नहीं इतनी ज़्यादा होती, बाप से इतना संभाल सकता है बच्चों को तब। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।